ये कोई भी नहीं जानता कि पहली बार किसने मौसीकी ईजाद की और ये कब सामने आई, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मौसीकी इब्तदाई इंसानी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा थी। मौसीकी का सबसे कदीम रिकॉर्ड शुदा सबूत बालाई पैलियोलिथिक दौर कदीम हड्डियों की बांसुरी के दरियाफ्त के साथ शुरू हुआ। ज़्यादातर म्यूजिक मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वक्त के आगाज से ही मौसीकी का आगाज हुआ। इब्तदाई इंसानों ने अपने आप को बातचीत और तफरीक के लिए मौसीकी का इस्तेमाल किया। ताहम पुरानी मौसीकी मुरतब करने का बुनियादी मकसद शिकार, मजहबी रसूमात और जंग की फतूहत की याद दिलाना था। ये इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम पहलू था, क्योंकि ये वही था जिसने अपने आप को जाहिर किया और इन्हें इंसान बनने में मदद की। अफलातून का ख्याल है कि मौसीकी अफाकी ऑर्डर का इजहार है, खास तौर पर शोबों की मौसीकी। इनका ख्याल था कि मौसीकी ने इंसानी जज्बात को मुतासिर किया है और हमारी जिंदगी के मखसूस शोबों पर ताकत हासिल की है। मौसीकी एक बड़े हिस्से के तौर पर काम करती है जो खुद बहुत अहम है। इस वक्त मौसीकी के नजरिया निगार मजमू तौर पर जिंदगी पर मौसीकी के असरात के बारे में सोचने के बारे में बहुत जामे थे। अरस्तु का इस बारे में ख्याल है कि मौसीकी हर एक के लिए मुख्तलिफ है। मौसीकी में लोगों के जज्बात को मुतासिर करने की ताकत है। ताहम इस वक्त म्यूजिक थ्योरी जिंदगी के कुछ हिस्सों की बजाय आर्ट फॉर्म की हैसियत से अकलियत और मौसीकी से ज्यादा मुतासिर हुआ था। मौसीकी के नजरिया निगार खुद मौसीकी और मौसीकी का इंसानों से ताल्लुक तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। ड्यूजे बांसुरी एक कदीम म्यूजिकल आला है जिसके बारे में सोचा जाता है कि इसकी तारीख तकरीबन 60,000 साल पुरानी है। ये स्लोवेनिया में दरियाफ्त हुआ था और शायद ये दुनिया का सबसे कदीम बांसुरी भी है। ये रिकॉर्ड से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हर तरफ चार की बजाय 6 सुराख होते थे, 3 ऊपर और 3 नीचे। बहुत सारी तारीखी शख्सियात ने पूरी तारीख में मौसीकी में अपना अहम किरदार अदा किया है। काबले जिक्र लोग ये हैं कि पाइटागोरस, अफलातून और अरस्तु, सबसे ज्यादा लिडविग वैन बैथ्यून हैं। लिडविग वैन बैथ्यून ने मौसीकी को बड़े अंदाज में तावुन किया और जिसकी वजह से आज की सिम्फ मौसीकी की रहनुमाई हुई। वो पहले लोगों में से एक था जिन्होंने मौसीकी, म्यूजिक थ्योरी, म्यूजिक फॉर्म और म्यूजिक के नजरन को तब्दील करने पर बहुत अहम किरदार अदा किया। बैथ्यून के बगैर मौसीकी सुनने वाले सबके लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ तजर्बा होता। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।